Hello friends, I'm Shubhra. Welcome to Salad and Food. आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चटनी बाइट्स। ये इतनी टेस्टी और हॉट है कि जब आप इसे खाना शुरू करेंगे तो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। हर बाइट में एक अलग मज़ा है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं चटनी बाइट्स। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। आप एक नज़र इंग्रेडिएंट्स पे डालिए। ये रहे इंग्रेडिएंट्स। पहले एक जार में रायता बूंदी ऐड करेंगे, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते और थोड़े कच्चे मैंगोस के पीसेस, कोरिएंडर लीव्स यानी हरे धनिए का पत्ता, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी रेडी है। अब एक कुकुम्बर को पील कर लेंगे और पॉइंटेड पोर्शन से ऐसे स्क्रैप कर लेंगे। अब कुकुम्बर के एंड्स स्निप कर लेंगे। कुकुम्बर को वॉश कर लेंगे और इसकी स्लाइसिंग करेंगे। हाफ कुकुम्बर का पार्ट हम हॉरिजॉन्टली ऐसे राउंड शेप में कट कर लेंगे और हाफ कुकुम्बर को हम कुछ ऐसे ओवल शेप में कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारी स्लाइसिंग रेडी है कुकुम्बर की। आप चाहे तो कैसे भी कट कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। कुकुम्बर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो इस समर सीज़न के लिए कुकुम्बर बहुत ही हेल्दी है। जो हमने चटनी तैयार की थी उसे एक बाउल में सर्व करके कुकुम्बर की स्लाइस को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। मुझे कुछ इस तरह से इमिडिएटली आइडिया सूझा तो मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। थोड़ा क्रंची टेस्ट के लिए गार्निश कर लेंगे बूंदी से। थोड़ा इसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर एंड रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करके गार्निश कर लेंगे। और अब कुकुम्बर स्लाइस को ऐसे चटनी में डिप कीजिए और चटनी बाइट्स लीजिए। है ना टेस्टी और हॉट? मैंने बोला था ना, जब आप एक बार खाना शुरू करेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, कंटिन्यूसली खाते ही चले जाएंगे, पर आपका मन नहीं भरेगा। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही इनोवेटिव रेसिपीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।